एल्केल हैलाइड, ये एल्केल हैलाइड क्या है, कितने तरीके का होता है और कैसे इनके IUPAC नेम लिखे जाते हैं और ये कैसे प्रिपरेशन करी जाती है और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस वीडियो में इस बात पे ध्यान जरूर देना पड़ेगा आपको कि जो आपने इसके पहले वाली क्लासेस में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ा हुआ है उसका यूज़ यहाँ पर होगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है वो इसको हमारे दूसरे लिंक वीडियो में देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, जो कि आपको नॉर्मली एक्सेसिबल है, सारी प्लेलिस्ट वहाँ पर है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्या होता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी स्टडी करी जाती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनके बारे में हम यहाँ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो आपने पढ़ा है एक चैप्टर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको याद होगा, किससे? RH से। यहाँ पर ये R क्या है, इट इज अल्काइल ग्रुप, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है। और हाइड्रोजन यहां पर इससे लिंक है, एक वैलेंसी से सेटिस्फाइड है। इस अल्काइल में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होता है, टेट्रावेलेंट कार्बन, क्या होता है, टेट्रावेलेंट कार्बन। इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं टेट्रावेलेंट कार्बन, क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंट कार्बन। और इसी एक कार्बन से ये हमारा हाइड्रोजन जुड़ा होता है, बाकी से कार्बन भी जुड़ सकता है और हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है, डिपेंड करता है किस कौन सा ये एल्किल ग्रुप है उसके ऊपर। अब बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन में आपने कई चीजें पढ़ी थी, एक का नाम था एल्केन, एक का नाम था एल्कीन और एक का नाम था अल्काइन। ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं 10th क्लास में, 11th क्लास में, दोनों में। एल्केन को जब हम लोग लिखते थे तो क्या लिखते थे, CnH2n+2, ये फॉर्मूला होता था, जनरल फॉर्मूला इसको बोलते हैं। ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। आप इससे दो हाइड्रोजन कम कर दीजिए, ये क्या था, CnH2n था, और यहाँ पे इससे दो कम कर दीजिए तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला आ जाता था CnH2n-2। ये तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच रेशियो होते थे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रेशियो होते थे, इसको कहते थे N=2, 2N+2, इसको बोलते थे 1:2, इसको बोलते थे N=2, 2N-2। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपके कंपटीशन का पार्ट है कि इसमें एल्कीन कौन सा रेशियो शो करती है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो यहाँ पे आंसर ये था। इसके अलावा जब हम बात करते हैं, जब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की हमने यहाँ पे समझ ली, तो इसमें जब हम एल्किल हैलाइड को करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक होती है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये जो कार्बन है यहाँ पर इसको क्या बोला गया, sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे तो उसमें इसको समझाएंगे भी हम आपको किस तरीके से हम इसको देखते हैं। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज होता है और यहाँ पर ये कार्बन होता है sp हाइब्रिडाइज, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, एल्किल हैलाइड इन तीनों के होते हैं, किसी एक का नहीं है, जो कि बुक में आपको एल्किल हैलाइड करके पढ़ाया जाता है। तो ये सारे के सारे एल्केन हैं। अब आप समझ लीजिए जरा सा बहुत, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो आप पढ़ते हो वो, अगर हम इसमें से एक माइनस कम कर दें, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कम कर दें, और उस हाइड्रोजन को कम करने के बाद जो अल्काइल ग्रुप आएगा उसका अलग अलग नाम होगा, जिसको हम बोलेंगे अल्काइल ग्रुप,
एल्किनाइल ग्रुप, एल्किनाइन ग्रुप, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके नीचे वाला एल्काइल ग्रुप आ जाता है तो उसको बोलते हैं सी एन एच टू एन प्लस वन, और एक वैलेंसी फ्री होती है, एक इसका वैलेंसी फ्री होती है, ध्यान रखिए। दूसरा जब हम लेते हैं तो सी एन एच टू एन माइनस वन, और इसमें भी कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होती है। और तीसरा जब हम लेते हैं तो वो आता है सी एन एच टू एन माइनस टू, तो है ही, एक और कम हो गया तो थ्री हो जाएगा। ध्यान रखिए ये आपके पास आता है, इसको क्लियर रखिए। तो इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, इसको बोलते हैं एल्किनाइल ग्रुप, और इसको बोलते हैं इसमें आईयूपीएसी लिखने का एक तरीका होता है, उसको समझ लीजिए। पहले हम इसमें एल्काइन लिखते हैं, एल्काइन लिखेंगे, ई काटेंगे, वाई एल लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ये इसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो कंफ्यूजन ना हो। ये आपका वापस इस चीज को समझ लीजिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जनरली बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना है, पहले जो जितने कार्बन की एल्काइन है वो लिखनी है, उसके बाद हमको ई काटना है, वाई एल जोड़ना है। ऐसे यहाँ पर भी है, देखिए रूल वही है, रूल डिफरेंस नहीं है, एल्कीन लिखा, ई काटा, वाई एल जोड़ दिया। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आता है कि हम इसको कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, दीज आर द अल्काइल ग्रुप्स। तो हम इस सबको, हम यहाँ पर ये सारी चीजों को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे आर एच से। ये जो आपको समझाया गया है यहाँ पे, जो मैंने लिख दिया है आर एच, ये लिखा हुआ है, समझ लीजिए ये आर एच है आपके पास। ये आर एच को आपको समझना पड़ेगा कि ये आर एच कैसे आया, क्या होता है, जो कि आपने पहली क्लास में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं तो आपको जरूर समझाना चाहूंगा। क्लियर है, कोई डाउट? अब हम लोग समझते हैं, यहां पर जो हमने अभी आपको समझाया है वो एल्केन, ये आपके पास एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, कोई भी एक चीज हो सकती है, ध्यान रखिए। तो यहां पर क्या होता है, हम इसको कंसिडरेशन में लेके जब चलेंगे तो हमारे दिमाग में तीनों चीजों का होना जरूरी है। अब जब हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड की बात करते हैं, या हम हेलो डेरिवेटिव की बात करते हैं, या हम यहां पे बात हम कर रहे हैं हेलो एल्केन की, केवल स्पेसिफिक हो गया, इसका मतलब आर क्या होगा यहां पर, एल्केन हो सकता है और कुछ नहीं होगा। जब हेलो एल्केन लिखा है, एल्केन की बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन लिख दिया है, तो ये क्या है, हेलो एल्केन का मतलब ये आर एल्केन ही है। लेकिन हेलो डेरिवेटिव का मतलब वो आर एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, और एल्काइन भी हो सकता है, या इसके अलावा भी हो सकते हैं, जो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अब आते हैं बात कि ये हमारे पास, क्योंकि आपके कोर्स में पहले तो ये आपने इलेवेंथ में पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हम जब पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजों को लेके पढ़ाएंगे, ताकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी आप क्लियर कर पाए और साथ में आपका इलेवेंथ और ट्वेल्थ भी क्लियर हो। अब जब हम किसी भी, अभी मेथड हम कोई नहीं बता रहे, कि हमने मान लिया कि ये हम एक एक्स है, और एक्स आपको पता है क्या होता है, इट इज हेलो ग्रुप, आपने पढ़ा हुआ है, इसको हम हेलो ग्रुप बोलते हैं। और इस ग्रुप के अंदर क्या क्या आता है, सी एल, बी आर और आई, और मेजरली हमारी जो स्टडी होती है वो किस पे होती है, इस पे और इस पे होती है, इस पे कम होती है, उसके भी कारण है, उन कारणों को भी डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसकी स्टडी नहीं करते,
लेकिन इन दोनों की स्टडी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, इसलिए हम इसको एक साथ करते हैं। इसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, रिएक्टिविटी में डिफरेंस होता है, इस वजह से हम इसको थोड़ा अलग ले जाके पढ़ते हैं। तो यहां पर इसको जब लिखा जाता है तो ये होता है क्लोरो और ये होता है ब्रोमो और इसको बोलते हैं आयडो। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखिए आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इनका नॉमनक्लेचर है। और अगर जनरल में इसको देखते हैं कि इनको जनरल में क्या कहते हैं, तो जनरल में कहते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड और इसको बोलते हैं आयोडाइड, जो कि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और इसी को हम लोग जनरल में ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझना है हमको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये यूज करने हैं इसलिए हम इन्हीं पे ध्यान देंगे। अब आता है कि जब हम किसी भी एल्किल हैलाइड एल्केन की रिएक्शन हम करा देते हैं या किसी भी कंपाउंड की, एल्केन एल्कीन अल्काइन तीनों की बात कर रहे हैं, कराते हैं तो क्या होता है, ये आपका हाइड्रोजन हैलाइड निकल जाता है और बनाता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं आर एक्स और इसका नाम है एल्किल हैलाइड। दूसरा ये क्या है इसका, ये तीन नाम लिखे हुए ना, तो ये क्या है एल्किल हैलाइड है। और दूसरा चूंकि यहां पर एक हैलोजन है तो मोनो हैलो डेरिवेटिव। और तीसरा हैलो एल्केन, हैलो एल्केन ये आप समझ लीजिए, अगर आर एल्केन है, इफ आर इज एल्केन, इस कंडीशन में ये आपके पास ये चीज आती है, इफ आर इज एल्केन तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, ये इस बात का बहुत ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सब में डबल बॉन्ड है तो भी एल्केन लिख दिया, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी एल्केन लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, जहां पे एल्केन है उसको एल्केन लेना है। अब ये हमारे पास एक क्या होते हैं हैलो डेरिवेटिव, वो हमने आपको बताया, ये मोनो होता है। अब इसी में अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो फर्स्ट हो गया आपके पास, सेकंड में देखते हैं, सेकंड में अगर आर को हम ये ले लेते हैं CH2 RCH3, तो ये भी इसी का एक रूप है, लेकिन अंतर क्या किया गया है, यहां पर अंतर सिर्फ इतना किया गया है कि यहां पर एक कार्बन की एक वैलेंसी किसी दूसरे एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई कर दी गई और तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो यहां पर समझ लीजिए ये क्या कहलाता, अगर इससे एक एक्स जुड़ गया और एक हाइड्रोजन हट गया, कैसे हटता है, कब हटता है, ये हम स्टडी करेंगे जब प्रिपरेशन की बात करेंगे, लेकिन अभी हम इसको फिलहाल इस समझते हैं कि यहां पर ये एक हमने किसी तरीके से हटा दिया और एक हैलोजन हमने ऐड कर दिया, तो यहां पर क्या बनाता HX, जिसको हमने बोला था हाइड्रोजन हैलाइड, क्या बोला था हाइड्रोजन हैलाइड, ये हाइड्रोजन हैलाइड था। यहां पर हम बात करते हैं अगर हमने इसमें निकाला CH2X लगाया तो ये क्या है, यही कैटेगरी है एल्किल हैलाइड, यही चीज ये है और यही चीज ये है। ठीक है, अब हम इससे अगर दूसरा निकाल देते हैं, एक और प्लस एक्स करते हैं और एक एच माइनस कर लेते हैं, निकाल देते हैं किसी भी मेथड से जो हम आगे पढ़ेंगे, तो यहां पर क्या होगा, आर सी एच एक्स टू आ गया। अब यहां पर सी एच एक्स टू आ गया तो हम इसको पढ़ेंगे क्या है, यहां क्या था मोनो था, तो यहां पे क्या होगा डाई हेलो डेरिवेटिव, क्या पढ़ेंगे डाई हेलो डेरिवेटिव, ठीक है डाई हेलो डेरिवेटिव। और
एल्किल डाई हैलाइड, इसको क्या पढ़ा जाएगा, एल्किल डाई हैलाइड। और मोनो हेलो डेरिवेटिव, डाई हेलो डेरिवेटिव, और यहां पर नाम लिखने के लिए क्या होता है, जहां पर ये लगे हुए हैं वो पोजीशन, पोजीशन अलग अलग हो सकती है, और यहां पे इसका नाम हो जाएगा डाई हेलो एल्केन। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, हाँ या ना, इसको समझ लीजिए, अपने मैसेज करते जाइए इस बात पे कि अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है, फिर हमने वही किया, एक हेलोजन जोड़ा और एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, तो यहां पर क्या बन गया, आर सी एक्स थ्री। तो ये क्या, ये तो आपको हमने ये चीज बताई, ये बताई और ये बताई, यहां पर इसका क्या नाम हो जाएगा, इसके बारे में समझने के लिए देखिए, यहां पर तीन है तो यहां पे क्या होगा, एल्किल ट्राई हैलाइड, और यहां पे क्या होगा, ट्राई हेलो डेरिवेटिव, और यहां पे क्या होगा, तीन पोजीशन आ जाएंगी, पी वन पी टू पी थ्री, ये आ गया ट्राई हेलो एल्की। तो ये तीन नाम आपके यहां पर आ जाएंगे, और इसी तरह अगर हम इसका चौथा भी रिप्लेस कर दें, चौथा बचा हुआ यहां पे, अगर इफ यहां पे एक हाइड्रोजन है तो अगर हम इसको भी रिप्लेस कर दें तो टेट्रा क्लोरो डेरिवेटिव आ जाएंगे, टेट्रा हेलो डेरिवेटिव आ जाएंगे। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके सारे हेलोजन रिप्लेस को ले आ सकते हैं हाइड्रोजन की जगह पर। इस बात में क्या होगा, आपके पास मल्टीपल हेलो डेरिवेटिव्स बन जाते हैं, एक ही कंपाउंड से मल्टीपल हेलो डेरिवेटिव बन जाते हैं। हमने यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे एच रख दीजिए, जरा देखिए एग्जाम्पल में ही समझ लीजिए, एच रख दीजिए तो आपके पास कितने डेरिवेटिव बन जाएंगे सिर्फ एक ही कंपाउंड से। इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं आपको कि अब टाइप्स ऑफ हैलाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं देखिए कि कितने तरह के हैलाइड्स होते हैं या हेलो एल्केन्स होते हैं। पहला हम बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कितने हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं इसके ऊपर हम समझेंगे कि कितने आपके पास कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें क्या है, पहली बात करते हैं कि अगर एक एक्स लगा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, एक्स क्या हो सकता है, सी एल हो सकता है, बी आर हो सकता है, आई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आर वही है, आर में कोई चेंज नहीं है, आर वही रहेगा, आर हमेशा इंक्लूड होगा, ध्यान रखिए। इस आर की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसको अगर नंबर एक ही कोई जुड़ा हुआ है, इनमें से कोई एक जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे मोनो हैलाइड, क्या बोलेंगे, मोनो हैलाइड, ये कहलाएगा मोनो हैलाइड। अगर यहां पर ऐसे दो जुड़े हुए हैं तो इनको नंबर कितने हैं, दो हैं इनके, और इनको क्या बोलते हैं, हम डाई हैलाइड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाई हैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, अगर ये तीन हैं, ये नंबर तीन हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, ट्राई हैलाइड्स बोलते हैं। अब यहां पर अगर चार हैं, चार हम बात इस तरह से कर रहे हैं कि एक ही कार्बन पे चार नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं, पूरे कंपाउंड में अगर हम बात करते हैं कि चार हेलोजन है, चार एटम है इसके,
तो अगर x 4 है तो ये क्या होगा, टेट्रा टेट्रा हेलाइड होगा, इट इज टेट्रा हेलाइड। अगर ये 5 है तो हम कहेंगे x की संख्या की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए यहां पर इसको पेंटा हेलाइड बोलते हैं, पेंटा हेलाइड बोलते हैं, इट इज नोन एज ए पेंटा हेलाइड्स। अगर यही 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए तो क्या आएगा, हेक्सा आएगा, हेप्टा आएगा, ऑक्टा आएगा, नोना आएगा और यहां पे आएगा डेकाहेलाइड। ठीक है, ये इनके नाम है, इसके अलावा भी होते हैं, आईयूपीएसी में नंबरिंग की जो वैल्यू लिखी जाती है वही है। ये चीज मैंने आपको बताई है S6 7 8, ये एक ही कार्बन पे नहीं जुड़े हैं समझ लीजिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, तो एक कार्बन पे नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। कार्बन की बात करते हैं, ये भी सेम हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ये केवल डिफरेंट ही होगा, ये भी डिफरेंट होगा, ये भी डिफरेंट होगा और ये भी डिफरेंट कार्बन होंगे, ध्यान रखिए, सेम कार्बन पे भी और डिफरेंट कार्बन पे भी हो सकते हैं। यहाँ पर सेम डिफरेंट, ये ध्यान रखिए, ये कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे कि सर ने एक डैश लगा दिया और सारे एक ही पे घुस गए, ऐसा कुछ नहीं है, ये डिफरेंट, क्योंकि आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब यहीं पे हम एक चीज और बताते हैं, एक कैटेगरी जिसमें कहते हैं, जिसको नंबर ऑफ हेलोजन एटम है, इसके ये आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ भी होगा थोड़ा सा आपका, तो ये इस तरह से होते हैं। लेकिन यहां पर ये समझ लीजिए कि इसके बाद आप सबको एक नाम से कह सकते हैं, अलग अलग नाम की जरूरत नहीं है, दीज आर कॉल्ड पॉलीहैलाइड्स, क्या कहलाते हैं, पॉलीहैलाइड्स, दीज आर कॉल्ड पॉलीहैलाइड्स, ये क्या कहलाते हैं, पॉलीहैलाइड्स कहलाते हैं। तो पॉलीहैलाइड्स क्या होते हैं, जिनके पास 3 से ज्यादा हेलोजन एटम होते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन में, तो वो कहलाता है पॉलीहैलाइड, दैट इज कॉल्ड पॉलीहैलाइड, क्लियर है, इसको नोट करिए और आगे बढ़िए। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम के हिसाब से हमने समझ लिया कितने तरीके के ये होते हैं, हेलोएल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ हेलोजन की बात करेंगे, कितने हेलोजन होते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं मिक्स हैलाइड, क्या बोलते हैं, मिक्स हैलाइड। तो मिक्स हैलाइड क्या होते हैं, यहां पे समझते हैं मिक्स हैलाइड्स क्या होते हैं, मिक्स हैलाइड क्या होते हैं, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ हेलो ग्रुप is present in a halo derivative. समझ लीजिए, halo derivative में एक से ज्यादा तरीके के halogen ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसको कहते हैं मिक्स हैलाइड, क्या बोलते हैं, मिक्स हैलाइड। मिक्स हैलाइड में हमने आपको बताया, पहले हैलाइड के बारे में बताया Cl Br I, ये 3 ग्रुप हैं आपके पास हैलोजन के, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, और इनको हम फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, दीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये क्लोरो है, ब्रोमो है और आयडो है। इसके बाद
अगर इसी में ऐसे समझ लीजिए कि एक ही कार्बन पर आपके पास Cl भी लगा हुआ है, Br भी लगा हुआ है, या दो अलग अलग कार्बन पे Cl भी लगे हुए हैं, Br भी लगे हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, ये क्या है, मिक्स हैलाइड हो जाते हैं। ये ऐसे लगा हो, ये Br आ गया, ये I आ गया, इस तरीके से ये लगा हो, तो ये भी क्या है, मिक्स हैलाइड की कैटेगरी होती है। तो मिक्स हैलाइड क्या होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, कौन से, हैलोजन के, जैसे हमने क्या क्या Cl, Br, I सब लगा दिया, ये क्या है, अगर इसको आप समझोगे तो ये भी डाई हैलाइड है, क्या है, दो है ना फंक्शन, दो है तो दो हैलोजन है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स, अगर आप पीछे वाले उसमें देखिए तो हमने इसको एक्स ही तो लिखा हुआ है, तो ये है डाई हैलाइड, लेकिन कैसा है, मिक्स डाई हैलाइड है, कैसा है, मिक्स डाई हैलाइड है। अगर हम इसको भी बात करें तो ये भी क्या है, मिक्स डाई हैलाइड, क्या है, मिक्स डाई हैलाइड ये भी है, मिक्स डाई हैलाइड ये भी है, और मिक्स डाई हैलाइड ये भी है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये किस कैटेगरी का है, ये एक्स थ्री कैटेगरी का है, ये क्या है, एक्स टू कैटेगरी का है, ये भी क्या है, एक्स टू कैटेगरी का है, और ये भी क्या है, अगर हम इसको केवल यहीं पे लिख दें तो ये एक्स टू कैटेगरी का है। तो यहाँ पर क्या है, डाई हैलाइड कैटेगरी के हैं, मोनो हैलाइड मिक्स नहीं हो सकते क्योंकि उसमें एक ही रह सकता है, तो जो भी मिक्स हो सकते हैं वो क्या होंगे, डाई होंगे, ट्राई होंगे, पॉली होंगे, ये सारे हो सकते हैं मिक्स में, लेकिन मोनो प्योर रहता है। तो यहाँ पर ये इस कैटेगरी का है, इस तरह और भी कैटेगरीज में आपको पता है हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर एक कैटेगरी ये आ गई, मिक्स डाई हैलाइड, मिक्स ट्राई हैलाइड, मिक्स टेट्रा हैलाइड, मिक्स पेंटा हैलाइड, ये आपको समझना होगा। यहाँ पर हम इसके बारे में IUPAC नेम में पढ़ेंगे किस तरीके से हम इनका नॉर्मल क्लेचर करते हैं, किसको प्रेफरेंस देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा प्रेफरेंस हमेशा इसको मिलेगी इन तीनों में, ये इसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस, या इसको टॉप में लिख देते हैं, ये वन प्रेफरेंस में प्रेफरेंस IUPAC, प्रेफरेंस वाइल IUPAC, इसको सेकंड नंबर और इसको थर्ड नंबर, तो हम प्रेफरेंस में इसको लिखेंगे, लेकिन जब ये किसके लिए, नंबरिंग के लिए, क्या है, नंबरिंग के लिए, लेकिन राइटिंग में क्या होगा, जब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, राइटिंग में अगर लिखना चाहें तो जब IUPAC लिखा जाता है IUPAC, तो ध्यान रखिए ये किससे स्टार्ट होता है, सी से, ये स्टार्ट होता है बी से, और ये किससे स्टार्ट होता है, आई। तो यहाँ पे राइटिंग प्रेफरेंस जो आएगी पहले ब्रोमो की होगी, फिर क्लोरो की होगी, और फिर आयरो की होगी, ध्यान रखिएगा ये दिमाग में, ये भी क्लियर होना चाहिए कि मिक्स हैलाइड में नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और इसको भी विद पोजीशन लिखा जाएगा, इसको भी विद पोजीशन लिखा जाएगा, इसको भी विद पोजीशन लिखा जाएगा, ये चीज़ समझ लीजिए। अब इसी का एग्जांपल हम आपको यहाँ पर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे तो एक ही पे लगे हुए हैं, तो इसका IUPAC नेम देखिए क्या होगा, अगर हम बात करते हैं इसके IUPAC नेम की बात करते हैं, इसका IUPAC नेम क्या है, बाकी हमने यहाँ पे मान लिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, पहले कौन सा लिखना है, ब्रोमो, प्रेफरेंस तो इसी को मिलती है आपको, लेकिन एक ही कार्बन है तो प्रेफरेंस की जरूरत नहीं, तो जब लिखा होता है तो यहाँ पर क्या है, मोनो क्लोरो, और यहाँ पे क्या है, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, और ये क्या लिख दिया गया, मेथेन, मोनोक्लोरो मोनोब्रोमो मोनो, इसको हम अगर हम लिखना चाहे वन क्लोरो और ये मीथेन, और इसी में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है,
ब्रोमो क्लोरो मीथेन भी ले सकते हैं, क्योंकि पोजीशन एक ही है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको भी रिमूव कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब आते हैं हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, जरा देखिए इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, तो आपको पता है प्रेफरेंस हमें किसको देनी है, बी, ये और ये है, तो इसमें प्रेफरेंस किसको मिलेगी, बी को मिलेगी। तो यह नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2, तो क्या लिखा जाएगा, 1 ब्रोमो 2 आयडो, और ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, इसको क्या लिखेंगे, एथेन। फिर आ जाइए हम इसका आईयूपीएसी देखते हैं, इसका आईयूपीएसी देखते हैं, तो यहाँ पर आईयूपीएसी में क्या होगा, इसका नाम हमको इसको प्रेफरेंस देनी है और इसको प्रेफरेंस नहीं देनी है, क्योंकि सी एल को हमको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, बी आर को उसके बाद प्रेफरेंस देनी है, तो यहाँ पर ये क्या नाम हो जाएगा, पहले लिखने में किसको प्रेफरेंस देनी है, लिखने में हमें प्रेफरेंस देनी है ब्रोमो को, तो क्योंकि अल्फाबेटिकली बी से स्टार्ट होता है इसलिए इसको देना है, तो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 क्लोरो, और ये क्या होगा, एथेन। अब यहाँ पे आते हैं इसके बाद कि ये वाले का नाम कैसे लिखा जाए, तो आपको पता है प्रेफरेंस इसको देनी है, इधर से देनी है, 1 2 3 4, इसका देखते हैं आईयूपीएसी, इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, देखिए पहले इसको लिखना पड़ेगा ना, बी को रिटर्न में प्रेफरेंस देनी है, तो क्या होगा, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, और फिर क्या है, 1 क्लोरो और 3 आयडो, और यहाँ पे क्या होगा, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, तो ये आ गया ब्यूट एन, ये सारे सेचुरेशन है तो एन लगा दिया। तो ये आपके पास इनका मिक्स हैलाइड का नॉर्मल क्लेचर कैसे करते हैं और मिक्स हैलाइड को हम कैसे समझते हैं, किसको प्रेफरेंस देनी, इस बात को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, इसको नोट करिए और आगे बढ़ते हैं इसके बाद। फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि नया क्लासिफिकेशन, जिसमें हम ये कहेंगे कि आपका टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड, इसके ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन वेयर हेलो ग्रुप इज अटैच्ड। ये हेलोजन ग्रुप कहां पे अटैच है इसकी बात करते हैं, इसकी बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि कैसे कैसे हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या कह सकते हैं कि जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको बताया गया था, जब हाइड्रोकार्बन पढ़ाए जा रहे थे तो वहां कार्बन के नेचर को हमने डिफाइन किया था, उस कार्बन के नेचर को यहां पे मैं दोबारा फिर आपको बता रहा हूं। ये CX बॉन्ड है कार्बन की, बाकी वैलेंसी आपके सामने है, 3 वैलेंसी फ्री दिखाई दी यहां पर। अब ये हमने 4 चीजें ली हुई हैं, इस 4 चीज में इसमें क्या होता है, अगर ये चारों के चारों हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो इस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कार्बन, क्या कहलाता है, नॉर्मल कार्बन। ये कार्बन है जिसमें सीधे के सीधे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इसको बोलते हैं नॉर्मल एल्किल हैलाइड, नॉर्मल एल्किल हैलाइड।
अब अगर यहां पर एक कार्बन या एल्किल ग्रुप लग जाए और बाकी दोनों हाइड्रोजन हो, कार्बन या एल्किल ग्रुप, यहां पे कम से कम एक कार्बन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इस केस में ये कार्बन क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, इट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। ये प्राइमरी कार्बन है तो ये क्या होगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा, राइट, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो गया। यहां पर अगर दो कार्बन लग जाएं और एक हाइड्रोजन हो, तो ये वाला कार्बन, इस कार्बन की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ कार्बन के ऊपर स्टार लगा रहे हैं, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, तो ये चीज क्या कहलाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बन है तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। और अगर यहां पर सब जगह सी या आर लग जाए, सी या आर लग जाए, सी या आर लग जाए, तो यहां पर ये कार्बन का नेचर हो जाएगा तीन है, तो टर्सरी हो जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड टर्सरी कार्बन, दिस इज कॉल्ड टर्सरी कार्बन। और टर्सरी कार्बन को से जो बनेगा, जहां पर एल्किल हैलाइड लग रहा है, ये हैलोजन लगा हुआ, ये सबका सेम है, देखिए ये सेम है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयरो हो सकता है, ये चीज सब में सेम है, तो इसको बोलेंगे टर्सरी एल्किल हैलाइड। ये चीज क्लियर है आपको, तो यहां पर इस बात को समझ गए होंगे कि कार्बन को हम जितनी तरीके से अटैच कर सकते हैं सेंट्रल कार्बन एटम को, उतनी तरीके से हम उसको नॉमिनेट भी कर सकते हैं। ये चार हैं, 1, 2, 3 और ये 4, ये चार नाम इनके हो सकते हैं, या चार तरह के ये एल्किल हैलाइड्स हो सकते हैं, हेलो एल्केन्स हो सकते हैं, नॉर्मल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो इस बात को समझने के लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि ये चार डिवीजन हो सकते हैं, कहाँ पे, कार्बन बेसिस पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड दिस। अब हम लोग समझते हैं कि अभी तक हमने जो आपको ये बताया था कि मोनो हैलाइड्स में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ये बताया, नॉर्मल बताया, एल्किल हैलाइड। अब हम बात करते हैं डाई हैलाइड्स में इन्हीं कार्बन के हिसाब से हम कैसे डिवीजन कर सकते हैं। तो कार्बन के हिसाब से डिवीजन करने के लिए जरा देखिए, हम फिर से आपको एक एग्जांपल देते हैं। वही कार्बन की चार वैलेंसीज, कार्बन की चार वैलेंसीज, कार्बन की चार वैलेंसीज, कार्बन की चार वैलेंसीज। अब यहां पर हमने कहा कि क्या है, डाई हैलाइड की बात करते हैं। तो डाई हैलाइड अगर हम इसको कहते हैं कि यहां पर डाई हैलाइड का मतलब दो हैलोजन का होना, इसका मतलब दो हैलोजन ग्रुप जरूर होंगे। तो इस दो हैलोजन ग्रुप के लिए बच्चों समझना पड़ेगा, अगर वो दोनों हैलोजन ग्रुप कहाँ हैं, ये हैं, तो इस तरह के इसको क्या बोला जाता है, हैलाइड को जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। और यहां पर ये अल्फा है, कार्बन है, पहला ही कार्बन है, तो उसको इसको बोला गया अल्फा, या अल्फा हम उस कार्बन को बोलते हैं जहां पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। इस बात को भी समझ लीजिए, अल्फा कार्बन क्या होता है, जहां पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसी कार्बन को हम अल्फा कार्बन भी मानते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा अल्फा। क्या हो गया, डाई डाई हेलो एल्केन,
पोजीशन देखिए, एक ही पोजीशन है दोनों की, ये भी अल्फा पे, ये भी अल्फा पे, तो अल्फा अल्फा डाई हेलो एल्केन बोलते हैं। अब आ जाती है बात, जब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है दो पे अलग अलग लगा हो, मतलब अभी एक पे ही था अब दोनों पे लग गया, तो दो एल्के हैलाइड हो, ये एल्के हैलाइड में क्या हुआ, दो हेलोजन है तो उसका मतलब डाई हैलाइड है, डाई हैलाइड में अगर हम एक को प्रायोरिटी वाइज अल्फा मान ले तो दूसरा क्या होता है बीटा। तो जिस फंक्शनल, जहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके ठीक बगल वाला कार्बन क्या होता है, चाहे वो दाईं तरफ हो या बाईं तरफ हो, उन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। यहां पर समझिए, तो ये क्या हो गया, यहां पे जो ये जुड़ा हुआ है तो इस केस में यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं विस डाई हैलाइड, क्या बोलते हैं विस डाई हैलाइड, ये क्या था जेम डाई हैलाइड, ये क्या हो गया विस डाई हैलाइड। समझे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान से समझना है। यहां पे आ गया ये विस डाई हैलाइड, और विस डाई हैलाइड का नाम होता है अल्फा बीटा, एक अल्फा पे लगाना एक बीटा पे लिखा है, तो क्या होगा डाई हेलो एल्केन, ठीक है, अल्फा बीटा डाई हेलो एल्केन, ये भी बोला जा सकता है, इसको आईपीसी नेम भी लिखे जा सकते हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक तरीका ये हो गया विस डाई हैलाइड, एक हो गया जेम डाई हैलाइड। अब आते हैं हम तीसरे पे, यहां पे एक हेलोजन ये लगा हुआ है और एक हेलोजन ये लगा हुआ है, दो अलग अलग, लेकिन यहां पे क्या है एडजेसेंट नहीं है, तो जब एडजेसेंट नहीं होता है, देखिए एंड पॉइंट पे है, जब एंड पॉइंट पे चेन के एक एंड पे एक हेलोजन हो, चेन के दूसरे एंड पे दूसरा हेलोजन हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं टर्मिनल हैलाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं टर्मिनल हैलाइड्स, टर्मिनल हैलाइड्स। इनके आईयूपीएसी नेम भी हम लिखते हैं जैसे लिखे जाते हैं, जनरल नेम भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसको अल्फा दे सकते हैं, इसको बीटा दे सकते हैं, इसको गामा दे सकते हैं, इस तरह से इसको हम कह सकते हैं। यहां पर इसको समझने की जरूरत है कि इनको एक और नाम दिया जाता है, इनको नाम क्या दिया जाता है, ये कहां से बने उसके बेसिस पे दिया जाता है, कहां से बने उसके बेसिस पे दिया जाता है। तो जब अभी हम प्रिपरेशन पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे ये कहां से बना है, तो ये एल्कीन से बने हुए होते हैं, तो इसलिए एल्कीनाइल भी बोलते हैं, मिथीन भी बोलते हैं, डिपेंड करता है क्या उसका नाम है उसके हिसाब से। तो वहां पे हम इसका यूपीएसी नेम या जनरल नेम हम वैसे भी बताएंगे जब उसको प्रिपरेशन में पढ़ाएंगे, लेकिन ये आपके टर्मिनल हैलाइड है। इसी तरह यहां पर भी क्या है, यहां पे देखिए पहला और आखिरी है, पहला यहां पर है आखिरी यहां पे, या ये पहला ये आखिरी, कुछ भी मान लीजिए, अभी तो एक्स एक ही है तो किसी को प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं, हम सबको इक्वली मान के चलते हैं, जहां पर दो है वहां पे देख लेंगे, अगर मिक्स होगा तो मिक्स के हिसाब से प्रायोरिटी सेट करेंगे। तो ये भी क्या है, इट इज ऑल, ये भी टर्मिनल हैलाइड है और ये भी क्या है टर्मिनल हैलाइड है, और इनका जनरल में हम इसको बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। तो ये तीन तरह के टर्मिनल हैलाइड्स, जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड, इनको समझिए, ये भी आपके समझने के लिए क्वेश्चंस में आता है, ये क्वेश्चन में ये आएगा आपके पास अलग अलग तरीके से, जैसे एग्जांपल में देता है कि आपके पास एक मिक्सचर दिया हुआ है, उसमें दो तरह के हैलाइड पड़े हुए हैं, एक अल्फा बीटा है एक अल्फा है, या ये कह सकता है कि दो मोनो हैलाइड्स दिए गए हैं मिक्सचर में, तो हमको आइडेंटिफाई दिमाग में करना पड़ता है कि वो कौन से दो हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। तो यहाँ पर इसको समझ लीजिए, आपके पास टूल है जो आपको क्वेश्चंस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड बी एंड सी, जो भी दे दिया जाए वो सब उसके लिए यहाँ पे इस टूल का यूज होगा। क्लियर है, तो हम इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और समझाते हैं आपको। अब हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये एल्किल हैलाइड को हम
सी एक्स बॉन्ड जो हमारे पास है उसके हिसाब से हम कहाँ पे वो कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है उसके बारे में बात समझते हैं, जिसमें एक तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कार्बन है, एक हमने आपको बताया था नॉर्मल, एक बताया था हमने आपको प्राइमरी, ये एक्स बॉन्ड है, ये एक्स बॉन्ड है, सॉरी ये एक्स बॉन्ड दोनों है, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये एक्स बॉन्ड है ये लगा हुआ है, ये एक्स बॉन्ड है ये लगा हुआ है, और ये एक्स बॉन्ड है ये लगा हुआ है। यहाँ पे तीनों के तीनों H है तो इसको क्या बोला गया था, नॉर्मल। यहाँ पे एक C या R है, ये सॉरी ये H है, ये H है, इसको हमने बोला था प्राइमरी। यहाँ पर दो C हो गए या दो R हो गए, दो R हो गए, एक एच रह गया तो इसको हमने क्या बोला था, सेकेंडरी। और यहाँ पे तीनों सी या आर, सी या आर, सी या आर ये हैं तो इसको हमने बोला था सेकेंड टर्शरी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये तो एल्केलाइट की बात करी थी जहाँ पर हमने आपको बताया था, तो एक तरीके के तो एल्केलाइट ये हो गए। अब यहाँ पे तो मोनोकार्बन के बारे में बता दिया आपको कि मोनोहैलाइड से तो क्या था, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंटेनिंग, यहाँ पर इसको समझिएगा कि अभी तो यहाँ पे आपने ये चीज देखी, यहाँ पे कहीं पे हमने डबल बॉन्ड या ट्रिपल की बॉन्ड की बात नहीं करी है, लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि वो डबल बॉन्ड कैसा है, अगर डबल बॉन्ड अगर अवेलेबल होता है तो अगर कहीं पे आपको ये ग्रुप नजर आता है, ध्यान से समझिए, ये ग्रुप नजर आता है, देखिए यहाँ पे फिर से ध्यान से दीजिए देखिए तो समझ में आएगा कि हम जिस एक्स की बात कर रहे थे वो एक्स है। यहाँ पर ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, देखिए, लेकिन यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ गया है। अगर कहीं पे इस तरह का कोई ग्रुप जुड़ा हो, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, आपको समझना होना चाहिए कि यहाँ पे कोई अनसेचुरेशन नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर इसको जब लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, sp3। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एल्के हैलाइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होते हैं, एलाइलिक होते हैं, एलाइलिक का मतलब इस तरह का बॉन्ड, इस तरह का बॉन्ड और कहाँ हो सकता है इसको भी समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं एक और कि CH3 CH डबल बॉन्ड CHX ये है, देखिए यहां पे भी है ये बॉन्ड है कि नहीं, सॉरी ये CH2X ये है आपके पास, तो ये वही वाला ग्रुप है जो ऊपर है लेकिन इधर एक कार्बन बढ़ गया है, तो इस तरह का बॉन्ड भी दिखता है आपको। इसके अलावा भी आपको दिखेगा कैसे, जरा देखिए कि यहां पर आपको जरूरी नहीं है कि यहां पे ये दिखे, ये दिखाई दे CH2, तो CH2 की जगह CHX भी हो सकता है, और यहां पे हमने एक CH3 और लगा दिया, लेकिन ये चीज जैसी थी वैसी ही बनी रही, तो ये भी क्या है, एलाइलिक हैलाइड में ही काउंट होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है डबल बॉन्ड का आपके पास है, ये स्ट्रक्चर क्या है डबल बॉन्ड के पास है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड, क्या बोलाते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स, दीज आर कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड्स। तो ये एलाइलिक हैलाइड्स के बारे में आपको समझ में आएगा, ये एलाइलिक हैलाइड्स जो होते हैं क्या होते हैं और इनको किस तरह से नाम दिया जाता है। इसी तरह एक और होते हैं जिनका नाम होता है sp हाइब्रिडाइजी होते हैं, सॉरी इनका जो बॉन्डिंग होता है वो एक्स वाला sp3 होता है, लेकिन क्या होता है उसमें बेंजीन रिंग अवेलेबल होती है, क्या होती है, बेंजीन रिंग अवेलेबल होती है, इसको समझिए। ये बेंजीन रिंग आपके बारे में पढ़ा होगा, बेंजीन रिंग के बारे में सबने पहले पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ कि ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ देखिए क्या है, CH
टू एक्स लगा हुआ है, सी एच टू एक्स लगा हुआ है। तो देखिए ये सी एच टू एक्स वही वाला है जो यहाँ पे भी दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर इसको स्पेशली क्लासीफाई कर दिया गया है, चूंकि बेंजीन रिंग है इसलिए इसको बोल दिया गया है बेंजिलिक हैलाइड। इसमें ये बेंजीन रिंग में कुछ भी जुड़ सकता है, इसके आगे भी कुछ जुड़ सकता है, लेकिन क्या होगा ऐसे जहाँ पे बेंजीन रिंग अवेलेबल होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजिलिक बेंजाइलिक बेंजाइलिक हैलाइड, ये समझ लीजिए। ये एक कैटेगरी ये है किसके लिए है, जब यहां पर देखिए जिस कार्बन की बात कर रहे हैं ये सारे कार्बन क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो यहां पे हम जिस सी की बात कर रहे हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज है और उसके नेक्स्ट वाले कार्बन के नेचर को हम देख रहे हैं, तो इसको आप नोट करिए। फिर इसके बाद हम आपको एक और बताते हैं, समझाएंगे कि एक और तरह के डिवीजन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं सीखेंगे कि अभी हमने आपको CX बॉन्ड जो लिया था वो CX बॉन्ड हमने लिया था आपका, जिसमें था हाइब्रिडाइजेशन क्या था sp3 था। अब हम बात कर रहे हैं sp2 की। sp2 का मतलब ये है कि ये कार्बन डबल बॉन्डेड होगा, दिमाग में तुरंत डालिए sp2 का मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि ये जो कार्बन है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है उसके अंदर इसकी प्रेजेंस होगी तभी ये क्या होगा, इट बिकम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नहीं तो ये sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब जब ये स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ये चीज अगर आपके पास कहीं पे अवेलेबल हो जाए तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। ये क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप, इट इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। इस ग्रुप की बात करते हैं तो ये क्या कहलाता है, विनाइल ग्रुप। और ऐसी चीजें जब अवेलेबल होती हैं जहां कहीं पर तो उसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड्स, दीज आर कॉल्ड विनाइल हैलाइड्स। जब विनाइल हैलाइड्स की बात करी तो ये है। इसी की तरह एक और तरीका होता है, एक और टाइप के होते हैं यही sp2 स्ट्रक्चर के साथ, उसको भी समझते हैं जरा देखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं एराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड्स। ये एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, ये विनाइल हैलाइड्स हैं और ये हम बात कर रहे हैं ये विनाइल हैलाइड्स हैं, ये एराइल हैलाइड्स हैं। तो एराइल हैलाइड में क्या है जरा देखिए, एराइल हैलाइड का खेल समझिए। यहां पर ये हमने एक्स जोड़ दिया है और इस कार्बन की स्टडी करते हैं, ये बेंजीन रिंग है क्योंकि ये वही डबल बॉन्ड आ गया ना, वही डबल बॉन्ड फिर से दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, लेकिन ये रिंग कैसी है, बेंजीन रिंग भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है, ये एराइल हैलाइड होगा। तो ये एराइल हैलाइड है। तो अगर आप मेरे से प्रश्न बच्चों में मन में और आता है कि ये एराइल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में क्या डिफरेंस है, तो जरा डिफरेंस भी यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन दिमाग में जो होगा वो आपको आगे मिसगाइड करेगा क्वेश्चन करने में। यहाँ पे भी बेंजीन रिंग थी, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग थी, लेकिन यहाँ पर क्या लगा था, ये हेलो ग्रुप क्या होता है, डायरेक्टली डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग, ये रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है एराइल हैलाइड के केस में, और बेंजाइलिक हैलाइड के केस में देखिए नॉट डायरेक्टली अटैच विथ रिंग,
ये रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, तो यहाँ पर इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि एराइल हैलाइड्स और बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है कि एक मिक्सचर में दो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो हैलाइड्स हैं या क्लोराइड्स हैं या ब्रोमाइड्स हैं, एक का टेस्ट ये आता है, एक का टेस्ट ये आता है, बताइए वो कौन कौन से कंपाउंड है। या एक में कह रहा है कि हमने ये कंसंट्रेट HCl डाल दिया या अल्कोहलिक KOH डाल दिया, इस तरह से कुछ पूछेगा आपसे रिएक्शन में जब हम आपको पढ़ाएंगे। तो वो चीजें जब आएंगी तब आप डिसाइड कैसे कर पाओगे कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, कौन सा ए या बी में कौन सा वो रिएक्शन देता है, कौन सा वो रिएक्शन नहीं देता है। इस बात को समझने के लिए जब तक आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होंगे तो आप उसको नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से समझिएगा, कोर्स तो ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, मैं गारंटी लेता हूँ। इस बात को समझिए कि आपका कोर्स पूरे साल लोग चलाते हैं, कोई बड़ी मतलब आखिरी एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक भी चलता रहता कई कई जगह, लेकिन हमारे पास ये कोर्स मैक्सिमम 3 महीने से ज़्यादा का नहीं है। दो रिवीजन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th और 12th 3 महीने में ख़त्म होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसको आराम से आप ख़त्म करेंगे, इस चीज़ को आप बार बार स्टडी करिए, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पॉइंट अगर ख़त्म कर देंगे तो बाकी सबके पास तो जितना आता है उतना आपको भी आता है। तो इस बात को कन्फ्यूजन पॉइंट पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ रादर देन जो हमारे जनरल चीज़ें हैं जो आपको इजी वे में आ जाती हैं। लेकिन जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन करने के लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए कंफ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि ये एलाइलिक ग्रुप क्या होता है, विनाइलिक ग्रुप क्या होता है, बेंजाइलिक ग्रुप क्या होता है, और आपका ये ग्रुप में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और उनको कैसे अंडरस्टैंड किया जाए। तो ये आप नोट करिए, इसके बाद हम आपको एक और तरीके का बताते हैं। अब तीसरे तरीके के क्लासिफिकेशन को समझिए, सी क्लासिफिकेशन है, इसमें हेलो एल्केन फिर वही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बात कर रहे हैं किसकी, अब जो कार्बन है वो कैसा है, sp3 है। पहले मैंने आपको बताया sp3 का बताया, फिर sp2 का बताया, अब हम आपको बात कर रहे हैं sp की। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन जब कभी भी होता है कार्बन के ऊपर तो वो तभी हो सकता है, आप समझिएगा इसको बहुत क्लियर करिएगा बच्चों, कि चार बॉन्ड होते हैं तो 3 यहां पर होंगे, ये कार्बन क्या होगा, ये वाला कार्बन आपका क्या होगा, इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड। ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। एक और तरीके का होता है, जरा समझिएगा, यहां पर ये तो क्या है, इसको समझिएगा, ये स्पेशल केस के तरीके से बता दे रहे हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है यहां पर, इसके पास 2 बॉन्ड है समझिए, तो ये क्या होगा, sp2 होगा, इसके पास भी 2 बॉन्ड है, ये भी sp2 होगा, और अगर हम इसके आगे एक और जोड़ दे तो ये क्या होगा, दिस बिकम sp3 हाइब्रिडाइज, लेकिन ये क्या होगा, ये है sp हाइब्रिडाइज। अब आप कहोगे कि सर अभी आपने बोला कि ये होता है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन आप डबल बॉन्ड वाले को बोल रहे हो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो समझो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके पीछे का, यहाँ पर इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, और एक ये भी सिग्मा बॉन्ड है, इसको छोड़ दीजिए हम इसी को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो इसके पास 2 पाई बॉन्ड हो गए ना, तो 2 पाई बॉन्ड अगर किसी कार्बन के पास है तो समझ लीजिए वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि एक सिग्मा तो होगा ही होगा उसके पास। अगर किसी के पास एडिशनल 2 पाई बॉन्ड आ जाते हैं तो वो sp हाइब्रिडाइज हो जाता है। तो ये कंडीशन को समझिए, स्पेशल केस था, इसमें 1, 2, 3 के लिए पूछा गया था, बताइए कौन सा कार्बन कौन किस हाइब्रिडाइजेशन का, एक सीक्वेंस लिखा हुआ था 1, 2, 3 के नाम से, तो उसके नीचे ये पूछा गया था कि बताइए, सपोज मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4 ये है कार्बन 1, 2, 3, 4, इसमें सीक्वेंस ये आएगा sp sp2 sp
और sp2 ये सीक्वेंस सही हो जाएगा, बाकी जो होंगे वो गलत हो जाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपके आईआईटी का पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें आपके कंपटीशन भी आते हैं, नीट का भी आता है, आपका बोर्ड एग्जाम भी आता है, तो इसलिए कंफ्यूजन न रखिए। इस बात को यहाँ पे मैंने इसीलिए क्लियर किया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात। अब आ जाते हैं बात यहाँ पर, जब ये होता है तो ये किससे बना हुआ है, एल्कीन से बना हुआ है, ये किससे बना, एल्कीन से बना, नहीं एल्कीन से नहीं, एल्काइन से बना हुआ है। जब ये एल्काइन से बना हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा एल्काइन ये होता है, इसको हटा दीजिए, वाई एल हैलाइड, क्या हो गया ये हैलाइड, तो इसका नाम होता है एल्केनाइल हैलाइड, एल्केनाइल हैलाइड। तो ये आपका एक और कैरेक्टर है, एक और कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें आपके ये हेलो एल्के हेलो हैलाइड्स को डिवाइड किया गया है, और इनके आधार पर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इस तरह से हमने अपना ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और इसको आप बार बार देखें, जहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो आप हमें हमारे YouTube चैनल पे इसको आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और हम उसका जवाब जरूर देंगे, इस बात के लिए आप आश्वस्त रहें। हो सकता है टाइम लग जाए लेकिन हम जवाब जरूर देंगे, ठीक है, धन्यवाद।